हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSL स्कूल क्लास 11 मैथमेटिक्स। एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3.4 अब हम देखते हैं कि हमको इसके एग्जांपल्स करना है। कैसे करेंगे हम? जैसे फर्स्ट एग्जांपल नंबर 20 जो है इस एक्सरसाइज का, फर्स्ट बाय एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 20। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू -√3/2। क्या दे रखा है मेरे को कि मेरे को साइन एक्स किसके इक्वल दे रखा है स्टूडेंट्स, -√3/2 के। अब साइन एक्स क्या दे रखा है, नेगेटिव। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि साइन एक्स नेगेटिव का होता है। यहाँ तो सब पॉजिटिव होता है, यहाँ भी साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन पॉजिटिव होता है। यानी साइन एक्स नेगेटिव है, यानी या तो थर्ड क्वाड्रेंट या फिर किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, √3/2 की वैल्यू कहाँ होती है, माइनस ऑफ साइन π/3 किसके इक्वल होता है, साइन पाई प्लस π/3 के ना। बिकॉज साइन पाई प्लस π/3 क्या हो जाता है, पाई प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। विच इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो गई वैल्यू, साइन 4π/3 के, यानी साइन 4π/3 जो है। हैंस मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, हैंस साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 4π/3 विच गिव्स, तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू कितनी मिल गई, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई। तो बाय थ्योरम नंबर 1 जो भी हमने करी, n पाई प्लस -1^n, यहाँ पे हम लिखते हैं y, तो उस y की जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई वाली फॉर्म से है। साइन एक्स इज इक्वल्स टू अगर साइन वाई होता है तो मेरा x कितना होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखती हूँ, देखो मैं इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1^n y। तो यहाँ पे जो मेरा y है वो कितना है स्टूडेंट्स, 4π/3। तो मैंने यहाँ पे ये इसका क्या लिख दिया, मैंने जनरल सोल्यूशन लिख दिया, वेयर n बिलोंग्स टू किसको है, इंटीजर्स को है। इसी तरह से नेक्स्ट है cos x इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, नाउ cos x इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ cos 1/2 कहाँ पे होता है, विच इज इक्वल्स टू cos π/3। हैंस यहाँ पे मेरे को क्या पता चला कि cos x इज इक्वल्स टू किसके है, cos π/3 के। तो मेरे को पता है कि अगर cos x इज इक्वल्स टू cos y है, इट इम्प्लाइज मेरा x कितना हो जाएगा, 2n π + -y। तो यहाँ पे मेरा y कितना है स्टूडेंट्स, π/3 है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ से मेरे को x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2n π + -π/3, वेयर यहाँ पे कि जो मेरा n है वो किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। क्लियर? नाउ एग्जांपल नंबर 22 हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 22 क्या कहता है हमको, सॉल्व 10 2x इज इक्वल्स टू -cot x + π/3। तो यहाँ पे अगर मैं इसका सोल्यूशन देखती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, देखो 10 2x इज इक्वल्स टू -cot x + π/3। क्लियर है? विच इज इक्वल्स टू, अब माइनस कॉट है तो माइनस कॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, 10 π/2 + x + π/3, यानी π/2 + x, इसको मैंने एक साथ ज्वाइन कर दिया, तो π/2 + x कितना हो जाता है मेरे पास, यहाँ पे -cot x हो जाता है। तो यहाँ से मेरे को ये कितना मिल गया, 10 x + π/2 + π/3 इज नथिंग बट 5π/6। तो यहाँ से ये मेरा क्या हो गया कि 10 2x किसके इक्वल आ गया, 10x + 5π/6 के। तो अगर 10x इज इक्वल्स टू 10y है, 10x इज इक्वल्स टू 10y है, इसका मतलब x किसके इक्वल होता है, n π + y। क्लियर है? वे n बिलोंग्स टू z, यहाँ पे हर जगह जो n है वो किसको बिलोंग करेगा, z को। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, इट इम्प्लाइज कि 2x मेरा किसके इक्वल हो गया, n π + x। तो मेरा x कितना है, x + 5π/6। मतलब यहाँ मेरी ये मेरी y की वैल्यू है, जहाँ पे कि n जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ कि x इज इक्वल्स टू 2x, ये x इधर आ जाएगा, यानी 2x - x इज इक्वल्स टू n π + 5π/6, वेयर n बिलोंग्स टू z। इट इम्प्लाइज 2x में से x गया, x इज इक्वल्स टू n π
प्लस 5 pi/6 वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये एक तरह से एक हमने यहाँ साइन का क्वेश्चन देखा, एक हमने कॉस का क्वेश्चन देखा, एक हमने किसका क्वेश्चन देखा स्टूडेंट्स, टेन का क्वेश्चन देखा, क्लियर है। इसी में अगर हम नेक्स्ट एक देखते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 23 क्या कहता है स्टूडेंट्स, दैट साइन 2x सॉल्व साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमको कुछ वैल्यूज दे रखी है, दैट साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x मुझे किसके इक्वल दे रखा है स्टूडेंट्स, जीरो के इक्वल। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ, साइन 6x प्लस साइन 2x माइनस ऑफ साइन 4x इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। नाउ इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 6x प्लस साइन 2x, तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 sin बाय फॉर्मूला 2 sin 4x cos 2x माइनस साइन 4x इज इक्वल्स टू जीरो। इट इम्प्लाइज साइन 4x को अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो ये मेरे पास बचा 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब यहाँ से मेरे को क्या मिला, एक तो साइन 4x इक्वल्स टू जीरो और 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, विच इम्प्लाइज आइदर साइन 4x इक्वल्स टू जीरो और cos 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास 1/2 आ गई। इट इम्प्लाइज साइन 4x इज इक्वल्स टू जीरो, साइन 4x इज इक्वल्स टू जीरो, साइन x का जीरो होता है n पाई पे, और cos 2x इज इक्वल्स टू cos पाई बाय 3। तो यहाँ तो साइन x इक्वल्स टू जीरो वाला और यहाँ cos x इज इक्वल्स टू cos y वाला लगाएंगे तो 4x तो मेरा किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, n पाई के, और यहाँ से मेरा 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 के, जहाँ पे जो मेरा n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, z को। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि माई x इज इक्वल्स टू n पाई बाय 4 और यहाँ से x कितना हो जाएगा, n पाई प्लस पाई बाय 6, बिकॉज 2 डिवाइड में जाएगा तो यहाँ जैसे 2 डिवाइड में गया कैंसिल, यहाँ पे हो गया ये पाई बाय 6। तो यहाँ पे n किसको बिलोंग कर गया, z को। तो यहाँ पे हमको x के दो सॉल्यूशन मिले, या तो x इक्वल्स टू n पाई बाय 4 या x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस पाई बाय 6। इसी में लास्ट जो एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर 24 हम देखते हैं, 2 cos² x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू जीरो को मुझे सॉल्व करना है ना। मेरी इक्वेशन गिवन है 2 cos² x प्लस 3 sin x इज इक्वल्स टू जीरो। इट इम्प्लाइज 2 cos² x को मैं लिख देती हूँ 1 - sin² x प्लस 3 sin x इज इक्वल्स टू जीरो। इट इम्प्लाइज इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 - 2 sin² x प्लस 3 sin x इज इक्वल्स टू जीरो। इट इम्प्लाइज नेगेटिव साइन से अगर पूरी को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये मेरा हो गया 2 sin² x माइनस 3 sin x माइनस 2 इज इक्वल्स टू जीरो। सो जैसे ही मैं यहाँ पे इसके अगर फैक्टर्स करती हूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 sin² x माइनस 2 sin x और माइनस साइन एक्स, बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को मिलेगा 2 sin² x और प्लस माइनस करने पे मेरे को मिलेगा माइनस 3 sin x। इट इम्प्लाइज 2 sin x मैं कॉमन लेती हूँ तो ये मेरे पास बचा साइन एक्स माइनस 1 एंड माइनस 1 साइन एक्स साइन एक्स मैंने कॉमन लिया तो दिस इज साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स इट इज कॉमन साइन एक्स माइनस 2 एंड यहां से माइनस 1 अगर मैं कॉमन लेती हूं तो यहां से भी मेरे को मिलेगा 2 2 जा 4 सॉरी दिस इज 2 sin x एंड हियर इज अगेन दिस विल बी
3, 2 and minus 1 is minus 3, and I needed is here minus 4. This is minus 4 sin x and this is plus sin x. ओके तो इसके फैक्टर्स होंगे प्लस फोर साइन एक्स एंड दिस तो टू साइन एक्स यहाँ कॉमन लिया तो दिस विल बी साइन एक्स माइनस टू टू साइन एक्स प्लस वन यहाँ से कॉमन लेती हूँ तो ये हो गया साइन एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो. इट इम्प्लाइज एक फैक्टर तो मेरे पास आ गया यहाँ पे टू साइन एक्स प्लस वन और एक फैक्टर मेरे पास आ गया साइन एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो. तो इन दोनों को हम अलग अलग जीरो करेंगे यानी टू साइन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो और साइन एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ से तो मेरे को साइन एक्स कितना मिल गया स्टूडेंट्स माइनस वन बाई टू एंड और यहाँ से मेरे को साइन एक्स कितना मिल रहा है टू. अब ये जो चीज़ है दिस इज नॉट पॉसिबल साइन एक्स इक्वल्स टू टू इज नॉट पॉसिबल क्योंकि जो मेरी साइन एक्स की रेंज होती है जो प्रिंसिपल रेंज होती है साइन एक्स की वो क्या होती है जीरो से लेके वन के बीच में. मतलब साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है माइनस वन से लेके वन के बीच में. तो साइन एक्स इक्वल्स टू टू तो किसी भी हालत में पॉसिबल ही नहीं है. तो यहाँ से मेरे को क्या मिला जो सिर्फ मैं सॉल्व करूँगी वो मैं साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू के लिए सॉल्व करूँगी. इसका मतलब साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी साइन सेवन पाई बाई सिक्स. तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू इज इक्वल्स टू सेवन पाई बाय सिक्स. तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि हैंस एक्स मेरा कितना हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू द पावर एन सेवन पाई बाय सिक्स. यहाँ पे जो मेरा एन है वो किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट इंटीजर को. तो बेस्ड ऑन आवर थ्योरम्स हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं जो कि बहुत ही इजी है. एक बार आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड स्टार्ट ट्राइंग एक्सरसाइज 3.4 ओनली देन आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑफ दैट एक्सरसाइज. सो थैंक यू स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम न्यू चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स.